Hello everyone, today I am going to share my dressing table tour. मैं आज आप सभी को दिखाऊंगी कि मेरी ड्रेसिंग टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और मैं उनको कैसे अरेंज करती हूँ, क्या क्या चीज़ें मेरे काम की हैं और क्या क्या चीज़ें मेरे मेकअप में इंक्लूडेड हैं, स्किन केयर में हैं. तो आज मैं आप सभी को अपनी सारी चीज़ें बताऊंगी, शेयर करूंगी, अपनी सब चीज़ें दिखाऊंगी भी, जो मेरा स्किन केयर है मेरे पास, जो मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं और जो भी चीज़ें मेरे पास हैं मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी. तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए. कुछ बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है कि आप सभी वो यूज़ करना चाहते हों और आपको समझ में नहीं आता हो कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं. तो इससे बेहतर है कि आप इस वीडियो को देख लें और बहुत से प्रोडक्ट्स के मैं रिव्यू भी कर दूंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो. तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे एसेंशियल पार्ट है और आप सभी का भी होना चाहिए विंटर्स में बॉडी लोशन, बिकॉज कि जब आप नहा के आते हैं और आपकी बॉडी बहुत ड्राई होती है तो आपकी ड्रेसिंग में सबसे ऊपर इस चीज़ को होना ही चाहिए, जो आपकी बॉडी को दिन भर हाइड्रेट रखेगा, नरिश रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, जिससे आपकी स्किन बॉडी की ख़राब नहीं होगी और आपको बहुत खिंचा खिंचा फील नहीं होगा. सेकेंड थिंग जो मेरी ड्रेसिंग में है वो वाइल्ड स्टोन पाउडर. जब आप कभी कभी ऐसा होता है कि अभी थोड़ा सा स्वेटिंग हो जाती है तो अगर पाउडर्स की ज़रूरत पड़ी जाती है. थर्ड मेरे पास मेरा डेली का परफ्यूम है, जो मैं हल्का सा परफ्यूम कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि दिन भर मुझे बहुत सूदिंग सी स्मेल आती रहती है और अगर मैं टायर्ड हूँ और स्वेटिंग हो रही है तो तब भी मुझे स्वेटिंग की गंदी सी स्मेल अपने से नहीं आती है. फोर्थ एसेंशियल पार्ट क्या है, सनस्क्रीन. सनस्क्रीन मैं इसलिए रखती हूँ सामने क्योंकि घर है, कहीं धूप में भी जाना पड़ सकता है, अभी ठंडियाँ भी आ रही हैं. तो लैक्मे की मैं सन एक्सपर्ट यूज़ करती हूँ. सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप धूप में फ्रिक्वेंट जाते हैं. अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपके फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अगर आप नॉर्मली भी धूप में जा रहे हैं तो आप प्लीज़ सनस्क्रीन को ज़रूर फेस पे अप्लाई करें, हैंड में भी कर सकते हैं. देन मेरे पास एक ये कोई इत्र है जिस किसी ने मुझे गिफ्ट किया था. आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दिस, बट हाँ गिफ्टेड है ये, तो इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है. देन मेरा गुलाब जल जो मेरे साथ साथ चलता है, ये मेरे फेस को हाइड्रेट रखता है. जब भी मैं थके हुए दिन भर में रूम पे अपने आती हूँ, एक बार इसको अपने फेस से स्प्रे कर लेती हूँ जिससे मेरी स्किन हाइड्रेट हो जाती है. देन आई हैव मेरे पास ये नीम का फेस वॉश है. कभी कभी क्या होता है स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं इस फेस वॉश को रखती हूँ डेली रेगुलर यूज़ के लिए. देन मेरी कुछ ये फेवरेट नेल पेंट्स हैं. कभी कभार आपका मन करता है, अगर आपका टाइम बच गया है, फ्री बैठे हुए हैं कि चलो नेल पेंट यूज़ कर लेते हैं, तो मैं इनको सामने से रखती हूँ. और ये मेरे प्यारे से गणेश जी हैं, जिसको ये एक्चुअली में गणेश जी नहीं है तब उनका बहुत सुंदर लगे मुझे, इसमें आप सिंदूर रख सकते हैं. तो इट्स सो प्रिटी, मैं तो आपको दिखा रही हूँ. तो आप यहाँ पे सिंदूर भर सकते हैं और इसमें इस लेके इसको लगा सकते हैं और ये देखने में भी गणेश जी हैं. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मेरी ड्रेसिंग में भगवान जी भी हो जाएंगे और बहुत पवित्र चीज़ सिंदूर इसमें रखा जाएगा. देन ये मेरा फाउंडेशन है. मेरे पास है लैक्मे सैटिन स्किन का मेबलिन का फाउंडेशन है, जो मैं बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं फाउंडेशन कम यूज़ करती हूँ तो ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. तो कभी मुझे अगर तुरंत पार्टी में कहीं जाना है बाहर तो मैं फटाक से इसको थोड़ा सा लेके अप्लाई कर लेती हूँ, इसलिए मैं इसको सामने रखती हूँ. देन मैं इस टाइम पे अभी स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. मुझे काफ़ी ज़्यादा मैंने इसका रिव्यू देखा और बहुत सारे इसके वीडियोज़ देखे तो मुझे लगा शायद मुझे एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए एक्चुअली में क्या है इसमें. तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी लोगों को मैं सजेस्ट भी किया है जिन्होंने मुझसे पूछा है कि एक्चुअली में अच्छा है क्या नहीं है. तो हाँ आप लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कस्टमाइज्ड है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, तो आप ये ले सकते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स. मुझे फ़िलहाल अच्छा लग रहा है. तो मुझे तीन चीज़ें आई थी, फेस वॉश है, मॉइस्चराइज़र है और एंड कुछ एक्स्ट्रा सीरम वगैरह है. तो अगर आप लोग कहें तो मैं इसका स्किन क्राफ्ट का रिव्यू कर सकती हूँ, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है. देन मेरे फेस ड्रेसिंग में है ये मेरे पास इनिसफ्री का फेस मिस्ट है, ग्रीन टी मिस्ट. कभी कभी क्या होता है फेस बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और वो थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए खुद को
नींद से जगाने के लिए या फिर रिफ्रेश करने के लिए मैं इसको अपना ड्रेसिंग में सामने ही रखती हूँ, एकदम से इसको स्प्रे कर लेती हूँ। देन हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि सैनिटाइज़र्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर रूम पे आपके आ रहे हैं और अगर थोड़ा सा आप प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो सामने रखती हूँ ताकि मैं तुरंत उसको दे दूँ और वो सैनिटाइज़ कर लें, देन हम आराम से अपना इंजॉय करते हैं। ये वाइट टोन पाउडर, अगर मुझे नॉर्मली कहीं जाना है तो थोड़ा सा मैं इसको फेस पे लगा लेती हूँ ताकि फेस में थोड़ा सा अच्छा सा लगे। और ये मेरी प्यारी सी छोटू सी कोरियन हैंड क्रीम है जो मैंने नायका से मंगवाई थी, मुझे बहुत स्वीट लगी। आई थिंक ये फेस शॉप की है या ये फेस शॉप की ही है, और यू कैन सी दिस, फेस शॉप की है। मुझे बहुत अच्छी लगी, और रात में दिन भर की थकान के बाद आपके जो हाथ हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो आप रात में इसको हैंड क्रीम को लगा के आराम से सो जाएं ताकि आपके हाथ मॉइस्चराइज हो जाएं, आपकी हाथ की स्किन, हैंड्स की स्किन आपकी नरिश रहे, तो मैं इसको ज़रूर रखती हूँ। देन मैं इस टाइम पे लॉरियल का ये एसेंस भी यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था और मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ लगे इसके, तो मुझे लगा शायद मैं भी एक बार इसको यूज़ करूँ और शायद अगर इसका मुझे रिव्यू अच्छा लगा तो मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। और ये मेरा एक और बॉडी लोशन है, कभी कभी मुझे मन करता है चेंज करने का, मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है तो मैं कभी कभी इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। देन ये मेरा शैम्पू, मैं इस टाइम पे ये आयुर्वेद का आंवला रीठा सिका का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब रोज़ इतना वक्त तो नहीं होता कि मैं आंवला रीठा भिगाऊँ, उनको पीसूँ और क्या क्या, तो मुझे ये शैम्पू अच्छा लगा और बहुत माइल्ड शैम्पू है। और अगर आप बहुत नेचुरल शैम्पू चाह रहे हैं, हर्बल शैम्पू चाह रहे हैं, तो आई थिंक ये आपके लिए अच्छा हो सकता है और हेयर फॉल भी कंट्रोल करता है, तो इट इज़ वेरी गुड। और इसकी स्मेल बिल्कुल आंवला रीठा जैसी ही इसमें आती है, तो मैं इसका रिव्यू भी करूँगी आपके साथ। और ये मेरी ड्रेसिंग में हमेशा रहता है नेल पेंट रिमूवर, क्योंकि सडनली क्या होता है कि आपका मन कर रहा है, टाइम बचा है आपके पास कि आपको नेल पेंट लगानी है, तो आप तुरंत नेल रिमूव करें नेल पेंट को, देन आप अप्लाई कर लें। तो मैं सामने ही रखती हूँ इसको, अगर सामने होगा तो मेरा काम ईजी हो जाएगा। और एक बिंदी इसलिए लगा रखी है इसमें कि शायद एकदम से बिंदी नहीं मिल रही है तो सामने है तब भी। देन मेरे पास ये मेरा फेवरेट एलोवेरा जेल जो हर किसी की ड्रेसिंग में होना ही चाहिए। अगर आपने फेस को रात में सोने से पहले इसको आप लगा सकते हैं, बादाम का तिल मिला के आप इसको लगाइए, आपके लिए सबसे बेस्ट नाइट क्रीम, इससे अच्छी नहीं हो सकती। देन ये मेरा कंडीशनर जो मैंने ड्रेसिंग में रखा हुआ है, बिकॉज कि मैं इसे कम ही यूज़ करती हूँ, ले लिया था मैंने तो सोचा कि यहीं पर रख देते हैं। और ये मेरी लैक्मे 925 सीसी क्रीम, अगर मुझे तुरंत कहीं जाना है, मार्केट जाना है, तो थोड़ा सा इसको अप्लाई कर लिया तो फेस शाइन करने लग जाता है। देन मेरे पास ये प्राइमर है फेस लैक्मे एब्सोल्यूट का, जो मैं मेकअप करने के पहले लगाना नहीं भूलती। अगर आप भी प्राइमर नहीं यूज़ करते हैं तो आप प्राइमर यूज़ करें, इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका मेकअप बहुत स्मूथ रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, फ्लॉलेस रहता है, बिकॉज़ जो आपके स्किन के ओपन पोर्स होते हैं या पोर्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, स्किन पूरी स्मूथ हो जाती है। उसके ऊपर अगर फाउंडेशन आप अप्लाई करोगे तो आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस रहेगा। देन मेरी पेट्रोलियम जेली, क्योंकि मैं इसको सामने इसलिए रखती हूँ कि रात में सोने से पहले लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईलैशेस पे भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ ताकि मेरी आईलैशेस लॉन्ग हो जाएं और थिक हो जाएं। और ये मेरा अब सिंदूर। देन ये लिप बाम जो मैं सामने इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये लिप बाम अगर आपके सामने रहेगा तो आप सुबह जब रेडी होते हैं तो लिप बाम लगाना ना भूलें, आपके लिप्स दिन भर बहुत ड्राई हो जाते हैं तो आपको टाइम भी नहीं मिलता। अगर आप मॉर्निंग में लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेंगे तो दिन भर आपके लिप्स मॉइस्चराइज रहेंगे और क्रैक भी नहीं होंगे। रबर बैंड जब रात में सोने से पहले बालों को टाई करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी फेवरेट वॉच, और ये कुछ साड़ी पिंस मैंने रखे हुए हैं सामने, क्योंकि जब आप सुबह तैयार होते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो वो चीज़ें आपके सामने होती हैं तो आपका काम ईजी हो जाता है, जल्दी जल्दी आप साड़ी पहन लेते हैं। देन इसेंशियल पार्ट्स, मेरे कॉम्ब भी सामने रखे हुए हैं, क्योंकि आप कभी भी हो सकते हैं कि आपको अपने बाल सही करने पड़ जाएं और कहीं कोई आने वाला है या कहीं जाने वाले हैं तो कॉम्ब सामने ही होने चाहिए। देन मुझे अपने देन मेरा ये दराज, जिसमें मैंने बहुत सारा मेकअप तो नहीं रखा हुआ है क्योंकि
देन मेरी ये रोल, इसमें मैंने बहुत सारा कुछ नहीं रखा हुआ है बिकॉज मैं कि बहुत सारा मेकअप नहीं करती हूँ मैं, तो मेरे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, पर सारी एसेंशियल चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे कुछ बैंगल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, मैंने इनको यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि सडनली सुबह होता है, आपने कोई साड़ी पहनने का मन किया कि मैं बैंगल्स चेंज कर लूँ, तो मैंने डेली वेयर से कुछ बैंगल्स यहाँ पे रखे हुए हैं कंगन, तो मैं उनको सुबह चेंज कर लेती हूँ कभी कभी मेरा मन करता है। तो ये गोल्डन से बैंगल्स हैं जो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। देन ये जो एम्प्टी गुलाब जल है, गुलाब जल तो मैं बहुत यूज़ करती हूँ। देन मेरे पास शुगर का कुजन फाउंडेशन है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहते हैं तो आप ये कुजन फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको उसको खोल के भी दिखाती हूँ। जो मैं अभी नायका से मंगवाया हुआ था तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा ये, तो आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ होता है ये। इसमें आपको ये लगाने के लिए आपको ये मिलता है, आई डोंट नो क्या बोले, स्पॉन्ज मिलता है आपको ये, एंड देन आपको ये फाउंडेशन। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अगर जो टू बी ब्राइड्स हैं तो वो भी इस तरह की चीज़ें ले की जा सकती हैं, साथ में अपने आपका मेकअप को ये थोड़ा ईजी कर देता है। देन मेरे पास ये रेवलॉन का फेस पाउडर है जो मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। देन मेरे पास ये मेबलिन का फेस पाउडर है जो मेरा ज़्यादा फेवरेट फेस पाउडर है, मुझे काफ़ी सही लगता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। देन मेरे ड्रॉल में हमेशा ये हनी रहती है बिकॉज जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने फेस पे हनी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि हनी से मेरी स्किन हाइड्रेट रहती है, नरिश रहती है। मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो अगर आप भी कुछ ऐसा आपके साथ भी है तो आप अपने ड्रेसिंग में कुछ चीज़ें ऐसी स्किन केयर की भी रख लें, जब भी आपको वक्त मिले अपने रूम पे तो आप ये चीज़ें अप्लाई कर लें अपने फेस पे। बिकॉज कि बहुत सी जो लेडीज़ होती हैं उनकी कंप्लेन होती है कि हमारे पास होम रेमेडीज़ के लिए टाइम नहीं होता, बट अगर टाइम नहीं है, दिन में कभी भी टाइम आपको मिलता ही होगा अपने रूम पे आने के लिए, तो अपने रूम पे ही इस तरह की चीज़ें आप हनी वगैरह रख लें जो आप अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी टाइम मिले तो आपकी स्किन नरिश भी रहेगी और हाइड्रेट भी रहेगी, और होम रेमेडीज़ का टाइम भी मिल जाएगा आपको अगर आपके ड्रॉअर में। देन मेरी ये ब्लश पैलेट है, इसको मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें इतने सारे शेड्स हैं, मैं जनरली ये वाला शेड ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है। तो ये मेरी ब्लश पैलेट है। देन ये मेरी आई शेडो पैलेट है जिसमें मुझे बहुत सारे मल्टीपल शेड्स मिले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे शेड्स हैं, और सारे शेड्स बहुत एसेंशियल हैं, कोई भी एक्स्ट्रा शेड नहीं है जो यूज़ नहीं कर सकते हम। गोल्डन है, कॉपर है, और कई बार वाइट शेड है जिसको मैं एज अ काजल भी यूज़ कर लेती हूँ, तो इट इज़ टू गुड। एंड इस टाइप का कुछ इसमें स्टिक मिलती है जिसका आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, फिंगर से भी आप फिंगर की हेल्प से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट टोटली अप टू यू। तो अगर आप टू बी ब्राइड्स हैं तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स ज़रूर बाय करें, बिकॉज कि आपके घर पे फंक्शंस बहुत सारे होंगे तो आप हर फंक्शन के लिए पार्लर तो नहीं जा सकते ना, तो आपके पास अगर चीज़ें होंगी तो आप अपने आप को ईजिली रेडी कर सकते हैं घर पर रहकर। देन ये ब्यूटी ब्लेंडर है जो जिसकी मदद से मैं अपना फाउंडेशन लगाती हूँ जो बहुत फ्लॉलेस रहता है, तो आप भी ब्लेंडर ज़रूर रखें। देन ये कुछ ब्रशेज हैं जिसको मैं मेकअप करती हूँ यूज़ करती हूँ, ये प्लकर, ये प्लकर तो होना ही चाहिए बिकॉज प्लकर अगर आपके पास है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी थ्रेडिंग ग्रोथ हो जाती है और हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम जा सकें ब्यूटी पार्लर, तो हम जो एक्स्ट्रा एक दो हेयर हैं वो इनसे प्लकआउट कर सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर रखें। देन मेरे पास ये कुछ लिप लाइनर्स हैं जो मैंने रखे हुए हैं, जब कई तरह के हैं ये, कुछ ऑरेंज, पिंक और कई कलर्स के हैं, जब जॉन लिपस्टिक यूज़ करनी हुई तो वो यूज़ कर लेती हूँ मैं। देन मेरे पास ये शुगर का आईलाइनर है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर बहुत अच्छा आता है, जो मैंने भी नायका से सेल में मंगवाया था, टोटली गुड, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया, डिस्काउंट में था उस टाइम पे, ऑफर में था,
तो उसका कलर बहुत अच्छा है। आप इस तरह के लाइनर का सर्च कर रहे हैं तो आप सुगर का लाइनर ले सकते हैं, इट्स टोटली गुड। देन मेरी कुछ लिपस्टिक्स हैं जिसका वीडियो में मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ चेकआउट करें। और मेरे पास ये मेबलिन का मस्कारा है, इट्स वेरी गुड मस्कारा। अगर आप मस्कारा लेना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर लें। इससे क्या होता है कि आपकी जो लेसेस होती हैं वो बहुत उनमें बहुत वॉल्यूम आ जाता है और आपको फेक लेसेस लगाने की ज़रूरत शायद ही कम पड़ेगी। इट्स वेरी गुड मस्कारा। तो अगर आप मेकअप ले रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें पैक किया करिए जिससे आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलें और बजट फ्रेंडली भी हों और लॉन्ग लास्टिंग भी हों। तो मेरा तो ये रहता है हमेशा। तो बस, और ये मेरी आईब्रो पेंसिल है जो मैं कभी यूज़ नहीं करती, बिकॉज मेरी आईब्रो खुद ही इतनी थिक हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और सारी मेरी लिपस्टिक्स हैं, मैं सारे शेड्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप मेरा वीडियो ज़रूर चेकआउट करिए। और अगर कोई लिपस्टिक अच्छी लगे तो उसको मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूँगी उसका नंबर और शेड वगैरह। मेरे पास हर तरह के शेड्स हैं, कभी नॉर्मल यूज़ के लिए, पार्टी वेयर के लिए, एंड देन रेगुलरली तो मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ मेबलिन का। इससे एक प्यारा सा कलर भी आ जाता है, लिप्स मॉइस्चराइज हो जाते हैं। देन सेकेंड ड्रॉर में मेरी कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि इसमें हेयर टूल्स हैं कुछ, हेयर क्लिप्स, क्लचर एंड और ये मेरे पास प्यारा सा एक मिरर। जब तक अपने हाथ से खुद को ना देख लूँ तब तक तो सुकून नहीं मिलता हैंड मिरर से, तो ये बहुत प्यारा सा लगता है मुझे। दोनों तरफ इसमें मिरर है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको बाय किया था। ये कुछ कॉटन पैड्स हैं अपने फेस को वाइप आउट करने के लिए, और ये वाइट टोन क्रीम जो मैं शायद ही कभी यूज़ करती हूँ, एंड छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं, और ये बोरो प्लस। हाँ, विंटर्स में जब आप दिन भर काम करके अपने रूम पे आते हैं थके हुए, तो आप देखते हैं कि आपकी जो हील्स होती हैं कितनी क्रैक हो चुकी होती हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो मैं बोरो प्लस ज़रूर रखती हूँ अपने पैरों में लगाने के लिए, अपनी हील्स में लगाने के लिए, ताकि मेरी हील्स नरिश रहें और वो फटे नहीं और मुझे कोई तकलीफ ना हो। तो आप भी ऐसे कुछ चीज़ें अपने दराज में ज़रूर रखें, ताकि जब भी आप अपने रूम पे आएँ आपको रात में सोने से पहले आप चीज़ों को अप्लाई कर लें। मेरा मेकअप पाउच और आज का सबसे एसेंशियल मास्क, कहीं जाना है तो मास्क सामने रहता है तो आपको तुरंत मिल जाता है, और कुछ बिंदी के पत्ते जब आप सुबह रेडी होते हैं तो बिंदी वगैरह आपके पास होनी चाहिए। कुछ रेड हैं, कुछ मेहरून हैं, कभी चेंज करने का मन करता है तो इस तरह की चीज़ें, कुछ रबर बैंड्स छोटी करने के लिए, और कुछ इसमें मेरे पास जूड़ा पिंस वगैरह भी हैं, क्योंकि जब आप कभी कोई ओकेज़न है आपको रेडी होना है और आपको मन है कि जूड़ा बनाने का, तो आपके पास इस तरह की चीज़ें होनी ही चाहिए। ये बहुत, और कुछ मेरे पास हेयर स्टाइलिंग टूल्स भी हैं, जब मैं कभी मन करता है मेरा कि जूड़ा वगैरह बना लूँ तो ये कुछ जूड़े में लगाने के लिए है, और कुछ मेरे पास जूड़े पिंस हैं। तो आई थिंक कि सब चीज़ें आपके ड्रेसिंग में भी होना चाहिए, बिकॉज कभी आपका भी मन करता है कोई फेस्टिवल है अपने आप को रेडी करने का और एक्स्ट्रा थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग करने का, तो आपके पास इस तरह के टूल्स अगर होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, काटे हैं कुछ स्टाइलिश से काटे हैं, तो यही सब कलेक्शन था मेरे पास जो मैंने आपको दिखाया। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट नहीं करती, बट जितनी भी हैं मेरे पास सारी एसेंशियल चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये ट्रैवल फ्रेंडली इसलिए हैं क्योंकि ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आपके पाउच में आराम से आ जाती है। जो मैंने वीडियो रिसेंटली बनाया हुआ है जिसमें मैंने शो किया है कि आप चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करें मेकअप किट में। एंड देन मेरे पास एक छोटी सी बटरफ्लाई स्टाइल की एक किट है जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिल देंगी। आप भी इस तरह की किट्स बाय कर सकते हैं, अगर आपको कहीं ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता इसके अंदर, लेकिन हाँ स्टिल आपके पास थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट और आई शेडोज आपको उसमें मिल जाते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, बट टोटली अप टू यू। तो यही था, वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरा ये छोटा मोटा सा कलेक्शन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने बहुत सारा प्यार दिखाते प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आई थिंक कि सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और यूज़फुल लगी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।